Hi everyone and welcome back to all another vlog of our Kerala series. So it's our 7th day in Kerala and aaj hum Alappuzha se Varkala ja rahe hain. So Varkala na bahut hi zyada famous hai apne cliff beaches ke liye. So let's explore this beautiful place together. तो आज की पहली डेस्टिनेशन इज द आइकॉनिक जटायूज अर्थ सेंटर. ये जगह वारकला से 25 किलोमीटर्स दूर है एंड दिस प्लेस शुड डेफिनेटली बी इन योर ट्रैवल लिस्ट इफ यू आर गोइंग टू वारकला. एज द नेम सजेस्ट्स, दिस सेंटर इज नेम्ड आफ्टर जटायु, अ मिथिकल ईगल फ्रॉम द इंडियन एपिक रामायणा. This place opens every day from morning 10 a.m. till 5 p.m. and iska entry ticket is 236 rupees. Par agar aap alag se cable car opt kar rahe hain upar jane ke liye, then you have to pay another 263 rupees per person. सो वी आर इन द केबल कार जो हमको ऊपर लेके जाएगी. यहाँ पे वॉकवे भी है. देर आर अ टोटल ऑफ 826 स्टेप्स एंड इट टेक्स अबाउट 30 मिनट्स अगर आप वॉकवे ऑप्ट करते हैं तो. एंड जहाँ पे हम जा रहे हैं दैट इज नोन एज द जटायूज अर्थ सेंटर. एंड ये दुनिया का इट इज़ द लार्जेस्ट बर्ड स्टैचू ओवर हियर, बर्ड स्कल्पचर. There's also a helipad over here and aap usse bhi aa sakte, which will take you to the top. So, जटायु का स्टोरी तो सबको पता है बट फिर भी अकॉर्डिंग टू द लेजेंड जटायु ट्राइड टू रेस्क्यू लॉर्ड राम्स वाइफ गॉडेस सीता फ्रॉम द डीमन किंग रावणा एंड वॉज फेटली वूंडेड इन दिस एंटायर प्रोसेस. एंड इन फैक्ट उनका एक फेदर कट के पूरा इसी जगह पर आके गिर गया था. ये जगह ना सिर्फ एक स्टनिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है बट इट इज़ ऑल्सो अ प्लेस ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस. एट द हार्ट ऑफ दिस सेंटर लाइज अ टेम्पल विच इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड राम. एंड जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है इस टेम्पल का इज़ द फुटप्रिंट विच इज़ बिलीव्ड टू बी दैट ऑफ लॉर्ड राम हिमसेल्फ. After visiting Jatayu Earth Center, we were very hungry and we went to a very cute and popular cafe, Cafe Italiano. ये कैफ़े बिल्कुल वारकला क्लिफ के नदर्न साइड पर है एंड ऊपर डेक से बहुत ही खूबसूरत बीच व्यू के साथ वी इन्जॉयड आर फूड एंड देन वी हैड चेकड इन टू आर होटल. हम वारकला में एक छोटे से बुटीक होटल द इंडा होटल में रुके थे. ये होटल वारकला बीच से सिर्फ 500 मीटर्स के डिस्टेंस पर था एंड आफ्टर रेस्टिंग फॉर सम टाइम वी देन एंडेड आर डे इन वारकला बाय विटनेसिंग अ ब्यूटिफुल सनसेट फ्रॉम द बीच. पानी में जाना तो वॉजेंट अलाउड बिकॉज ऑफ द मॉनसून एंड द हाई टाइड्स, पर बीच पर स्ट्रोल लेना वॉज ऑल्सो इक्वली रिलैक्सिंग.